हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। ठंडी आ चुकी है, अब हमारी स्किन पे जो है काफ़ी ड्राइनेस होना चालू हो चुकी है। कई लोगों की स्किन ऐसी होती है कि ड्राइनेस भी जो होती है ना, वो अलग अलग जगह होती है। जैसे कि ये पोर्शन हुआ, ये खास पोर्शन जो रहता है लोगों का, ये काफ़ी जल्दी ड्राई होने लगता है। फिर उसके बाद कहीं इस जगह, बहुत अलग अलग जगह होती है ड्राइनेस। जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी स्किन डल होना चालू हो जाएगी, शाइन चला जाएगा, ग्लो चला जाएगा, साथ में पिगमेंटेशंस हो जाएंगे, पैचेस अलग अलग फेस पे दिखने लगेंगे, डार्क पैचेस दिखने लगेंगे, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा तो पाना ही है हमको इस ठंड में। तो आज मैं आपके सामने ऐसे कुछ विंटर स्किन केयर हैक्स लेके आई हूँ जो इन सारी परेशानियों से आपको बचाने वाला है। आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। उससे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आप मेरे साथ आगे भी कनेक्ट रहें। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और अब तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिससे उन तक भी ये हैक्स पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको जितनी भी रेमेडीज़ हैं अपना ऊपर से लेके नीचे तक हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फेस के, फिर बॉडी, फिर नीचे, देन अपने पैर तक पहुँचेंगे। ठंड में हमको स्पेशली नहाते टाइम सोप और फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इतने केमिकल्स होते हैं ना कि हमारे फेस के जो ऑयल रहता है उसको, और ऑलरेडी जितना ऑयल है उसको भी कम कर देता है। तो ऐसी आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करनी है, घर में सब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हैक नंबर फर्स्ट। एक कंटेनर में 4 चम्मच मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। गेहूं का आटा आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा बल्कि मॉइस्चराइज करके रखेगा। 1 स्पून बेसन यूज़ कर रही हूँ। बेसन जो है क्लीन करने के पर्पज़ से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बेसन ज़्यादा लेते तो ये ठंड में हमारी स्किन को ड्राई कर देता, इसलिए यहाँ पर रेशियो जो हमने लिया है 4:1 का लिया है। उसके बाद 1/2 स्पून हम इसमें टर्मरिक का यूज़ कर रहे हैं। टर्मरिक के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये आपका हमेशा के लिए पाउडर रेडी हो चुका है। जब आप इसको नहाने जाएं तो एक कंटेनर में निकाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और इसमें आप कर्ड डाल सकते हैं, दही डाल दीजिए 2 चम्मच, और थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप उसके बदले या तो कि आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं, या तो कि आप कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको इसको यूज़ करना है। यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आप अपना नहाने के टाइम पे जाएं तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, और अच्छे से हाथ से इसको रब करते जाइए। उसके बाद आप एक नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। फुल बॉडी हमारी वॉश हो जाने के बाद जब हम नहा के आते हैं तो हमें एक मॉइस्चराइज़र, गुड मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। एक ऐसा मॉइस्चराइज़र ठंड में चाहिए जो हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़ बना कर रखे और हमारे फेस को ड्राई होने से कंट्रोल कर सके। तो मैं आपको एक ऐसा सीरम बताने जा रही हूँ जो आपके 12 घंटे तक आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है वो हैक नंबर सेकेंड। 2 चम्मच यहाँ पे मैं मार्केट का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद 1 चम्मच के करीब आपको स्वीट आलमंड ऑयल लेना है, जो कि प्योर आलमंड ऑयल होना चाहिए। 1 स्पून ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए। 1 स्पून के करीब रोज़ वाटर, और उसके बाद यहाँ पर मैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद ये आपका एक सीरम कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। इसको एक कंटेनर में फिल कर लीजिए, और ये आप नहाने के बाद अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो आप इसके ऊपर सनस्क्रीन लोशन भी लगा सकते हैं।
नहाने के बाद हमने अपने फेस को तो मॉइस्चराइज कर लिया, देन अब बॉडी को मॉइस्चराइज करना है। देखिए ये भूलिएगा मत कि हम अपने फेस को तो उतना ही ध्यान रखते हैं, पर आप अपनी बॉडी को उतना ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं, तो देखिए वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ पैर ऐसे खिंचे खिंचे लगते हैं और उनकी स्किन का कलर भी काफ़ी बदल जाता है। जैसे हमारे कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे मतलब कलर अच्छा, कॉम्प्लेक्शन सही है बट हाथ पैर के कॉम्प्लेक्शन सही नहीं है, तो उतना ही ध्यान रखिए अपने हाथ पैर का भी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कौन सा मैं चीज़ यूज़ करने वाली हूँ जो आपके 24 आवर्स के लिए आपके पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखेगा। हैक नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोई झंझट नहीं करनी है, बाहर का कोई महंगा सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, घर में ही है आपके, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके टैनिंग को रिमूव करता है, साथ में आपके हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी पे अगर आपने लगा के रखा है कोकोनट ऑयल। तो जी हाँ, आप अपने पूरे बॉडी पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लीजिए आफ्टर बाथ, तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अब हमने अपने फेस बॉडी को कर लिया, अब आता है आप अपने लिप्स को किस तरीके से मॉइस्चराइज करके रखेंगे। ठंडी में हमारे होंठ भी फटने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी आप चाहें तो बाहर का मार्केट का कोई लिप बाम खरीद लीजिए, बट सबसे अच्छी चीज़ है घर का घी। इस छोटे से एक कंटेनर में मैंने घी लेके रखा है और इसको जब मुझे लगता है तब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा लेना है और इसको अप्लाई कर लीजिए सोने से पहले, और आप चाहें तो दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठंडी के टाइम आपको अपने फेस पे वीक में 2 बार एटलीस्ट आपको स्क्रब करना चाहिए। आप स्क्रब में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो मार्केट का खरीद सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, और बाकी घर का सबसे अच्छा रहता है यूज़ करना, तो मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। हाफ टोमेटो ले रही हूँ मैं यहाँ पर, टमाटर सबके घर में अवेलेबल होता है, और उसमें हम दरदरी शक्कर डालेंगे, मतलब आप शक्कर के डायरेक्ट ग्रेनुअल्स ना यूज़ करके इसको हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए और उनको इसमें डालकर स्क्रब कर। डे टाइम तो हो गया हमारा, उसके बाद हम लोग नाइट टाइम में अपने फेस पे क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। नाइट टाइम में आपको अपने फेस पे देखिए वीक में एटलीस्ट 1 बार आपको शीट मास्क अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पे। अब आप बोलेंगे शीट मास्क जो होता है नॉर्मली मतलब 100 से 150 की रेंज में आता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेंज रहते हैं, पर 100 से 150 का एक शीट मास्क आता है, तो इतने महंगे शीट मास्क लेने की क्या ज़रूरत है, और उसमें क्या चीज़ें मिली है, उसमें कुछ ना कुछ अलग से इंग्रीडियंट्स भी होंगे, तो आप अपने घर पे ही शीट मास्क बनाइए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी एक परचेज किया है, एक पैकेट परचेज किया है जो अमेज़न के थ्रू किया है, जिसमें मुझे पड़ा था लगभग 250 रुपये के करीब का पड़ा था, और उसमें मुझे 50 कंप्रेस शीट मास्क मिले थे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इफ़ यू वांट टू परचेज देन गो थ्रू द लिंक, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। और उसके उसमें कैसे उसको यूज़ करना है तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हैक नंबर 6 हम लोग देखते हैं शीट मास्क का। छोटे से कंटेनर में यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर लिया है, 1/2 स्पून मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ, और 1 कैप्सूल विटामिन ई का इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक मिक्सचर तो हमारा ये बन गया, आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन टी का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी बनाने के बाद आप उसमें जो इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं वो बना सकते हैं, क्यूकम्बर का बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको जो पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। इसके बाद इसमें कंप्रेस शीट मास्क डाल दीजिए, ये अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद आप इसको ओपन करके अपने फेस पे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। रात में आपको ऐसा सीरम यूज़ करना चाहिए जो आपके फेस पे ग्लो ला सके और ब्राइटनेस को बढ़ा सके। तो चलिए मैं ऐसा सीरम आपको बताती हूँ। आप शीट मास्क, जिस टाइम आप शीट मास्क अप्लाई करें उसके बाद आप ये सीरम अप्लाई कर लीजिए शीट मास्क, लेकिन आपको वीक में 1 ही बार करिएगा। तो चलिए देखते हैं हैक नंबर 7। 1 स्पून ग्लिसरीन लेना है यहाँ पे, 2 स्पून रोज़ वाटर लूँगी मैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे ग्लिसरीन और रोज़ वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 लेना है,
और 1 स्पून यहाँ पर मैं लेमन का यूज़ करूँगी। इस तरीके से इसको कंटेनर में रख लीजिए और उसके बाद आप इसको रात में सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं। अब हमने अपनी बॉडी का तो पूरा कर लिया, हमें अपने पैरों को भी नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, अब हम लोग जो नेक्स्ट रेमेडी देखने वाले हैं वो हम लोग अपने हील्स के लिए देखने वाले हैं। ठंडी में हमारे हील्स जो होती हैं काफ़ी क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उसमें से कई लोगों को ब्लड तक निकलने लगता है ड्राइनेस के कारण। तो चलिए मैं आपको लास्ट हैक नंबर 8 बताने जा रही हूँ। 2 स्पून एलोवेरा जेल, उसके बाद यहाँ पे 1 स्पून कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है काफ़ी थिक होती है, इसलिए ये हमारे हील्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 1 स्पून कैस्टर ऑयल और 1/2 स्पून अच्छे से, मतलब आप इसमें वैसलीन ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये एक काफ़ी थिक क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा। चाहें तो रात में और दिन में 2 बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप इसमें सॉक्स पहन लीजिए। ये सारी ही रेमेडीज़ मैंने आपको घर की बताई है। अगर आप इसमें से कोई चीज़ें स्विच करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट घर की जो चीज़ें होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं, नेचुरल होती हैं और उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कोई कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कौन सा आपको अच्छा लगा इसमें से हैक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक बाय बाय।